मेरा नाम मोहम्मद शकील है। कहाँ से आए? सेतल से। थाना कौन सा लगता है? थाना आप? हाँ, क्या मामला बताओ। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, मेरे भाई का कि मेरे भाई के किसी को पैसे आ रहे थे, पड़ोस का ही है वो। तो उस वो आया पैसे मांगने के, भाई को पूछने के लिए कहाँ पर है वो। तो ये घर पर थे नहीं, कहीं गए हुए थे। तो वो आके गाली गलौज करने लगा घर पर। तो मैंने कहा गाली मत दो। वो राजू चौकीदार और मोहल्ले का ही लड़का वो आदमी नसीम, तो वो दोनों पहली बार आए तो वो गाली देकर चले गए। फिर बाद बोले अभी तुझे रोक, मैंने उनसे बोला गाली मत दो, तो वो बोले अभी रोक तुझे बता रहे हैं हम गाली दे दें। फिर वो चले गए, फिर वो चौकी पे गए, वहाँ से दो पुलिस वालों को लेकर आए। एक का नाम प्रशांत है जो सिंगम कलवा था अपने आपको, वो आया, उसने गाली गलौज की, उसने पूछा कहाँ पर है। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे कहाँ पर है, मैं इनको बता चुका हूँ। फिर वो आए घर पर और उन्होंने अंदर आके सब कुछ देखा, मैं अकेला ही था घर पर, पढ़ रहा था उस टाइम। तो वो आए, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, गाली गलौज मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, थप्पड़ मारे मुझे। और जो घर में सामान था, जैसे हमारा काम है लहंगे का, तो वो लहंगे का जो जितना भी काम था वो सब फाड़ दिया। और जी क्यों मारा? ऐसे ही उनके कहने पर, राजू चौकीदार उनके उसके कहने पर, तो उन्होंने सारा जो लहंगे का था फाड़ दिया सारा कुछ। और फिर मुझे उठाकर ले गए पुलिस चौकी पर। यहाँ पर उनके खिलाफ़ तहरीर देने आए हैं DM साहब को। उन्होंने कहा दे देंगे। मेरा नाम तनवीर अहमद है। दरोगा के चौकीदार के खिलाफ शिकायत करने आए थे यहाँ पर DM साहब के पास। वो पैसे मांगता है दारू पीने के लिए सबसे। क्या नाम है? राजू तो चौकीदार। कहाँ का मामला है? ये थाना हापीगंज का है, हमारे सेतल में ये चौकी, वहाँ पर रहता है चौकीदार। वो यही कहता है कि आचार संहिता लग गई है अब तो। कप्तान साहब कहते हैं कि केस कितने भी हो जाएँ तेरा कुछ नहीं होगा। पैसे मांगता है, डराता है, नहीं दो पैसे तो चौकी पर जाकर झूठी शिकायतें करता है, पकड़वाता है, पिटवाता है। मेरे भाई को पिटवाया है अभी उसने और ख़ुद भी मारा है, पुलिस वाले से पिटवाया है। पुलिस वाले का नाम है प्रशांत, वो संगम कहलवाता है अपने आप को। क्यों संगम है वो? मतलब क्यों कहलवाते हैं? संगम है, उसकी मोचा संगम जैसी है, क्योंकि इसीलिए मारता है सबको। हाँ, ना कहो तो बहुत मारता है वो, तो गाली भी बकता है उसने। चौकीदार ने तो बहुत ही गंदी गाली दी है। हमारा बच्चा पढ़ने जाते हैं, इसको मारते हैं, हम मार के उनसे पैसे छीनते हैं, कहते पैसे दो, नहीं देते हैं तो घर घर के मारते हैं। चौकी पे शिकायत करते हैं, बच्चों को पिटवा, शराब पीने के लिए बच्चों को पढ़ाएं या शराब के लिए पैसे दें उसके लिए। कौन मांगता पैसा? चौकीदार राजू।